हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? ऐसा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 8:30। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपने न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो चलेगा फ्रेंड्स, अब लग जाते हैं अपने रूटीन वर्क में। और नाश्ता वगैरह सबने कर लिया। वंदना के डैडी भी जा चुके हैं खेत में और माँ भी। तो अब बनाएंगे हम खाना। फिर ना हमारे वहाँ पे चूल्हे पे धूप आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी खाना बनाऊँगे। तो चलिएगा, अब लग जाते हैं। देखते हैं आज खाने में क्या बनाते हैं। वैसे तो सोच रहे कड़ी चावल बनाना, काफ़ी टाइम होगा। तो आदि परी और जा रहे हैं मम्मा के अपने, मोनिका दीदी भी बच्चों को लेकर। तो आज हम बनाएंगे दोनों देवरान जेठानी खट्टा खाना। छत पर बना रही हूँ मैं खड़ी चावल। तो चलिएगा, अब लग जाते हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, कढ़ाई मैंने रख दी है और तेल भी डाल दिया है। और अब मैं बनाऊँगी पकौड़ी। तो ये मैंने बना लिया है बेसन का पेस्ट, इसमें डाल लिया है हल्का सा हल्दी नमक। तो अब लग जाते हैं पकौड़ी बनाने। सबसे पहले तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी पकौड़ी अब सिख कर हो चुकी है तैयार। और अब कर लेंगे कड़ी छोकने की तैयार। तैयारी तो करके रखी है, बंदरों की वजह से ना सामान रसोई से बाहर नहीं रखा। तो बार बार बंदर आ जाए ना, तो फिर भगाने वाला भी कोई नहीं है। पापा जी के पैरों में दर्द रहता है, तो पापा जी तो आ नहीं सकते बार बार ऊपर। तो इसलिए मैंने जितना सामान ज़रूरत हो इतना ही बाहर लेकर आऊँ। तो ये देखिएगा, हमारी पकौड़ियाँ हो चुकी है सीख कर तैयार। और अब बना लेते हैं चौक। देखिएगा फ्रेंड्स, इधर मैंने कड़ी छोकने की सारी तैयारी कर ली है। ये है मेथी और ये लहसुन का पेस्ट बना लिया, प्याज और साबुती मिर्च। और ये पकौड़ी उतार लिया है। ये है कड़ी, घोल लिया है मैंने दही में, दही को छान कर उसमें मट्ठा बना लिया उसका। उसके बाद में कड़ी घोल ली। और ये देखिएगा, इधर हमारा तेल भी गर्म होगा। अब इसमें डाल देते हैं लहसुन। ये देखिएगा, मैंने मिर्ची डाल दिया इसमें, लहसुन डाल दिया और लाल मिर्च डाल दी सबुत्ती। और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को करूंगी हल्का ही फ्राई। लहसुन भी हमारा अच्छे से होगा और मिर्ची भी। और अब हम कर लेंगे छौंक को अच्छे से लाल। और इसके बाद में डाल देंगे जो कड़ी का पेस्ट बनाया हुआ है वो। तो हमारी कड़ी सुखकर हो जाएगी तैयार। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइएगा पकौड़े वाली कड़ी खाने के लिए। और उसके साथ में बनाएंगे चावल और रोटियाँ। चावल तो बना लेते हैं, मगर जो योगेश भाई साहब हैं नहीं खाते और वंदना के डैडी भी कम खा रहे हैं, तो इसलिए रोटी बनानी ज़रूरी है। देखो तीनों बच्चे खा रहे जो मैंने कड़ी में डालने के लिए पकौड़ी बनाई, बिना मिर्च वाली बनाई। तो आराम से वाले खा लोगे, अच्छी लग रही, मिर्ची तो नहीं लग रही ना। तो ये देखो, ये तीनों मिर्ची वाले खा लोगे। हाँ, ये तीनों लग रहे हैं अपनी पकौड़ी खाने। और अनक खिला रहा है आप सभी को भी, आप सब भी खा लो। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, छौंक बनकर हमारा हो चुका है तैयार, अच्छे से भुनना। और अब इसमें डाल लेते हैं पेस्ट। तो दो मिनट चली जाओ बेटे, यहाँ से नहीं एक हो दो चिकन को भी छींट लग जाएगी आपके। तो ये डाल दिया है मैंने इसमें कड़ी। और इसको मैं तब तक इसमें खाता आएगा तब तक खिलाती रहूँगी ताकि ये फटे ना। और खद्दा आने के बाद में इसमें डाल देंगे हम पकौड़ी। देखो फ्रेंड्स, हमारी कड़ी बनकर हो चुकी है तैयार और अच्छे से कड़ी भी गई है। तब तक मैंने किचन साफ कर दिया और आटा रेन दीदी ने गूंद दिया। और अब इसको ढक देते हैं। और चावल भी भेजे थे मैंने, इन्हें कर दिए कुकर में। और अब इसको ढक देते हैं, सीटी लगा देंगे इसमें और कड़ी को उतारेंगे नीचे। और इसको कड़ी को रख देंगे रिता के कई बर्तन में कढ़ाई में, तो भाई ठीक नहीं रहने की, क्योंकि
ये जल्दी ठंडी भी हो जाएगी और कढ़ाई में ढकने की दिक्कत रहा है। और ये देखो तीनों बहन भाई क्या कर रहे, बाल्टी से ढोल बजा रहे और नाच रहे। अब चावल बनाने के लिए आ गई रेन दीदी, कड़ी तो बन गई, वैसे कद्दा तो इन्होंने ही लगाया, बस मैंने छोंक दी थी और आटा भी गूंद दिया और रोटी सेकेगी है और मैं लगाऊंगी तब तक पोछा। ये नीचे का काम निपटाया, बस डंगरों का रह रहा और इधर बच्चे खेल ले खिलौनों से। तो आज ना बारिश जैसा मौसम हो रहा, धूप निकल ली और छा भी हो रही, तो ये खेल ले बच्चे यहाँ, तब तक मैं उधर पोछा लगा लूँगी, झाड़ू तो लगा दी थी मैंने। और ये सेकेगी यहाँ रोटी और ये कर रही है अपने घुट्टी साफ, इसमें आटा भर गया आटा गूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पशुओं को भी नहला दिया मैंने और इनके नीचे धो भी दिया सारा काम का, और खुद भी नहा के आ गई और ये कपड़े भी धो कर ले आई, मशीन में लाई क्योंकि बाहर ना बारिश का मौसम होता। तो ये देखिएगा कितनी तेज़ ठंड हवा चल रही, बादल हो रहा और वंदना को लग रही भूख और से खाने कढ़ी चावल, तो वो इंतज़ार कर रही मेरा मम्मी का बाबा ऊपर से। तो चलिएगा फ्रेंड्स, वंदना को खिला देते हैं खाना। छोड़िए ऐसे सार्थक बंदर के पास ले, ले, ले। तो ये देखो बंदर आ लिया, ये आ लिया बंदर। बंदर ने क्या खिंडा दिया, तो देखो ये लड़ गया, तो ये बंदर ने क्या कर दिया। कहते दाल रोटी, रोटी खाई तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, एंजल और नीलाक्षी दीदी आई है छुट्टी मनाने के लिए आए हैं, और अभी आए थोड़ा सा टाइम हुआ बस, उधर से आए अभी बबली दीदी की तरफ से, आधा घंटा हो लिया होगा ना आए होगा, तो आधा घंटा हो लिया। और हम ये कर रहे नाश्ता, और ये देखो सारे बच्चे कर रहे नमकीन ले रहे हैं, तो अपना काम कराना है वो तो फ्रूटी दे के और ऊपर घूम के नीचे घूम के नमस्ते करके सबको और जा लिया। और इधर माँ भी बैठी चाय पी रहे सब। तो फ्रेंड्स बच्चे आए हैं छुट्टी मनाने के लिए अपने मामा मम्मी के यहाँ और बुआ जी के यहाँ भी, तो रेन दीदी लगती है सार्थक एंजल की बुआ जी, और ये आए हैं अपनी बुआ जी के पास भी रह लेंगे और अपने मामा मामी के यहाँ भी। तो सभी बच्चों का मन करता है छुट्टी में अपने मामा मामी नाना नानी के पास घूमने का, तो इसीलिए नीरज दीदी आ गई है बच्चे को लेकर घुमाने के लिए। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आप कर देते हैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, राम राम।